देखो आजम, शमीला जो कुछ करती रही है तुम अच्छी तरह से जानते हो। अब वो फिर इस घर में आ रही है। अम्मी जी, तो इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती बेटा। वो अब भी बहुत कुछ करने की कोशिश करेगी। तुम अपनी आंखें खुली और उसकी हर हरकत पर नजर रखना। अम्मी जी, मुझे समझ नहीं आ रही आपकी बात। मतलब ये कि हातिम बहुत साफ को है लेकिन उसके साथ साथ जज्बाती भी है। वो शमीला की बातों में बहुत जल्द आ जाएगा। बस बेटा तुमने होशमंदी का सबूत देना है। हर बात की हकीकत जानकर तुमने फैसला करना है और आतिम की बातों में नहीं आना। मैं क्या चाहती हूँ, मैं तो बस इस घर की खुशी और सुकून चाहती हूँ। समझ गए, आप फिक्र ना करें। बस अल्लाह खैर करे। खुद को संभालो ना जीशान, देखो ये आजमाइश का वक्त है, ये भी गुजर जाएगा। आजमाइश इतनी सख्त होती है क्या माँ जी? इसी का नाम आजमाइश है। जब कड़ा वक्त आता है ना तो इंसान उसमें जकड़ा जाता है। ना उसे फरार में पनाह मिलती है और ना पनाह में करार। बिल्कुल ऐसी ही कैफियत है माँ जी। मैं जकड़ा गया हूँ माँ जी। मैं जकड़ा गया हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम दुआ करो खुदा ये आजमाइश का वक्त गुजार दे। मैं भी करती हूँ। मेरा बच्चा आ, चलो आप कुछ खा लो। हेलो, हाँ रोशना। माना कि मेरे भाई से गलती हो गई है मगर उनका गुनाह इतना बड़ा तो नहीं कि माफी ना मिल सके। प्लीज मेरे भाई को बचा ले प्लीज। हार्ट अटैक हुआ है उन्हें, रिदा मेरा फोन नहीं उठा रही। प्लीज आप उससे कहें कि मेरे भाई को माफ कर दे। मैं जानती हूँ कि उसने बददुआ दी होगी क्योंकि भाई ने उसका दिल जो दुखाया था। प्लीज रहम करें मेरे भाई पर प्लीज। रोशना का फोन था। तौकीर को हार्ट अटैक हुआ है। कह रही थी कि रिदा से कहें मेरे भाई को माफ कर दे। खुदा भी माफ करने वाले को पसंद करता है बेटा। आप कहीं जा रही हैं मामा? हाँ, रेहाना की तरफ। आतिम और शमीला का रिश्ता तय करने। एक बार फिर सोच ली। आतिम ने कुछ सोचने का मौका ही कहाँ दिया है। वो जितना जितना जुनूनी हो रहा है वो कुछ भी कर सकता है। मसलन कोर्ट मैरिज की धमकी दी है उसने और मेरे पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं कि मैं आतिम के लिए शमीला का रिश्ता लेने रेहाना के पास जाऊं। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मेरी नहीं रिदा, जैसे खुदा की मर्जी। अच्छा बेटा चलते।
रेहाना आप आए ना आपा बैठी शमीला सलाम करो आपा को मैं कुछ कह रही हूँ रहने तो रेहाना मैं इस काबिल का कि मुझे इज्जत दी जाए कैसी बातें कर रही हैं आप ऐसा कुछ नहीं है शमीला जाओ आपा के लिए चाय बनाओ जाके मैं कुछ कह रही हूँ तुम्हें आपा बैठे नहीं मुझे आतिम ने भेजा है और क्यों भेजा है ये तुम अच्छी तरह जानते नहीं मुझे कुछ नहीं मालूम क्यों भेजा है आतिम ने आपको शमीला की इद्दत तो खत्म हो गई है ना जी फिर आतिम और शमीला के निकाह के बारे में क्या डिसाइड किया था आपा जैसी आप चाहें तेरी तो अपनी कोई हैसियत नहीं मैं भला क्या चाहूंगी कैसी बातें कर रही हैं आपा ऐसा कुछ नहीं है छोड़ो ये बातें और बताओ निकाह कब कर ले मेरा बस चले तो आज जवान बेवा को घर में बिठाने से तो अल्लाह भी मना करता है तो ठीक है हम कल ही निकाह कर लेते हैं जी जैसे आपकी मर्जी अच्छा मैं चलती हूँ आपा चाय तो पीती जाए इसकी जरूरत नहीं है